हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में फ्री एक्सपांशन को लेके। फ्री एक्सपांशन का जो कहानी है, कहीं ना कहीं देखिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े कंसेप्ट को भी हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में फ्री एक्सपांशन होता क्या चीज़ है और वहाँ से क्या क्या चीज़ें कंक्लूड होकर निकलती है। तो फ्री एक्सपांशन को समझने के लिए देखिए, इसका नाम ही है फ्री एक्सपांशन, मतलब बिल्कुल फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है। इसको एक्सपांशन एक्सपांड करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है। मजबूर करने का मतलब ये कि इस पर कोई एक्सटर्नल ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो फ्री एक्सपांशन का मतलब बिल्कुल क्या है, नेचुरल तरीके से एक्सपांड हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इस चीज़ को एक्सपांड करने के लिए। एक्सटर्नली नहीं लगना चाहिए, इंटरनली तो लग सकता है, इंटरनली लगेगा तभी वो एक्सपांड भी होगा, बट एक्सटर्नली जो है वो प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं फ्री एक्सपांशन की बात करूं तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एक्सपांशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट वैक्यूम। ये जो आपका फ्री एक्सपांशन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एक्सपांशन ऑफ गैसेस, द एक्सपांशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, अगेंस्ट वैक्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ठीक है, तो अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब क्या है, बात करते हैं। वैक्यूम मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जहां पर हमारा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक आपका इस तरीके का कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है हमारा, इसको मैंने दो पार्ट कर दिया है। तो ये हमने दो पार्ट कर दिया है और इसको बिल्कुल हमने क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया है इंसुलेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अंदर बाहर का कोई भी इंट्रैक्शन होने से रहा। उसके बाद देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड गैस भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक गैस भर दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गैस है और ये वाला जो कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा कैसा रखा गया है, वैक्यूम कंडीशन पे। ठीक है, तो ये जो हमारा कंटेनर है ये हमारा है वैक्यूम पे। अब देखिए होगा क्या कि अगर हम लोग इस पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये मान लीजिए पार्टीशन ए है जो गैस और ये वैक्यूम है। अभी तो देखिए बिल्कुल आपका क्या वैक्यूम है, तो गैसेस यहाँ क्या है, हाईली कंप्रेस गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि सपोज हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा होल कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं होल, ये देखिए यहाँ पर ये हमने छोटा सा होल कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर छोटा सा होल करेंगे, यहाँ पर गैसेस क्या है धीरे 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 मूव करना स्टार्ट करेगी और इस तरीके से गैसेस क्या होंगी, ये एक्सपांड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब बात ये एक्सपांड करेगी तो देखिए इसके साथ क्या क्या कहानी चलने वाली है। ठीक है, पहला चीज ये बताओ, यहाँ पर जो एक्सपांड हुआ है, गैस एक्सपांड हुआ है, इस पर कोई आपको वर्क का इंट्रैक्शन हुआ है, इसके साथ कोई भी वर्क का इंट्रैक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि जब एक्सटर्नली वर्क मिले या एक्सटर्नली वर्क हमको देना पड़े, उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारा वर्क के साथ इंट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा कोई भी देखिए वर्क के साथ इंट्रैक्शन हुआ नहीं है, मतलब आप ये बोल सकते हो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो फेम होता है क्या कि फ्री एक्सपांशन में बात करें तो फ्री एक्सपांशन के लिए आपको वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो आपका क्यों हुआ, ये चीज आपको समझ में आया। यहाँ पर गैसेज जो एक्सपांड हुई है, बेसिकली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर पिस्टन एक्सपांड होता है तो हमको वर्क मिलता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो गैसेज एक्सपांड हो रही है इसके कारण हमको कोई वर्क मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटली अगर देखेंगे फ्री एक्सपांशन के अंदर, तो आपको वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये चीज क्लियर हुआ, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कंटेनर है, तो इस पर कोई ना कोई आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके प्रोसेस हो रहे हैं, तो पहला चीज ये देखिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर बात करूँ, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, पहला चीज वो रिवर्सिबल हुआ है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कहानी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ बस। जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल पोजिशन को गेन करती है, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर कोई भी एक, आइदर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में से अगर कोई एक अपने इनिशियल पोजिशन को गेन ना करे,
तो वो आपका क्या बनता है फिर, वो आपका बनता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी के अंदर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए क्या होगा, ये आपका गैस है और ये आपका वैक्यूम है कंडीशन। यहाँ पर देखिए सराउंडिंग, ये सिस्टम है जो गैस है और बाहर की एरिया सराउंडिंग है। सराउंडिंग पे कोई इंपैक्ट जा रहा है क्या? सराउंडिंग पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि सिस्टम का और सराउंडिंग के बीच का इंटरेक्शन तो बिल्कुल खत्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी गैस है, ये गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। ये जो गैस एक्सपांड हो रही है मतलब यहाँ से जो सिस्टम है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो सिस्टम है ये एयर अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ बिल्कुल। अब ये बताइए कि एक बार अगर ये गैस एक्सपांड हो जाएगी तो क्या ये वापस फिर निकल के चले जाएगी यहाँ पर? नॉट पॉसिबल। मतलब एक बार जो आपकी गैसेस एक्सपांड हो गई है सिस्टम, वो अपनी जगह इनिशियल पे लौट नहीं रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ दो कंडीशंस होते हैं जो हमारा, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं। चलिए इसको बस सुन लीजिए क्योंकि बताया हुआ हूँ। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल पोजिशन को गेन करना चाहिए। सराउंडिंग अपनी जगह से डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ और वो अपना इनिशियल पोजिशन गेन नहीं कर रहा है, तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का, ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ध्यान रखिएगा अभी ये जो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने ये पहला प्रोसेस डिस्कस किया है जो कि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करूँ तो ये मैंने पहला पोर्शन जो है, पहला प्रोसेस को डिस्कस किया है जो कि आपका प्रोसेस को कैसा शो कर रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, अगर ये घोषित हो गया है तो ये बताइए कि यहाँ पर मैं फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ हमने जो पढ़ा था वो प्रोसेस के लिए लेके बात किया था, तो फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन आता है? पहले के वीडियो में बिल्कुल मैंने इसको पिक्चर क्रिस्टल क्लियर करके रखा हुआ है, साइकिल के लिए कौन सा अप्लाई करना है, प्रोसेस के लिए कौन सा अप्लाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो अगर ये आपका प्रोसेस है तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। तो पहला चीज देखिए ये हमने इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर इस केस पे बात करूं तो ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्या इरिवर्सिबल के लिए मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया था तो ये क्या किया था, मैंने इसके कुछ टर्म्स कंडीशन लिखे थे, एक बार चेक करिए, बिल्कुल आपको ये चीज़ याद रखना है। अब थोड़ी ये चेक बाद में करिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस तरीके के दो इक्वेशंस लिखे थे, एक हमने क्या लिखा था, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और जो मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा था वो मैंने लिखा था डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्लोज सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पी इंटू डी वी, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए आया हुआ है, दोनों इक्वेशन आपको ये प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, नो डाउट। नेक्स्ट दोनों इक्वेशन आपका जो है क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो क्या था, ये आपका जो इक्वेशन है डेल डब्ल्यू वाला, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई था, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया? मतलब ये डेल डब्ल्यू इक्वल टू जब हमने पी डी वी रखा था तो यहाँ पर ये जो था ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन अगर आप इस केस में आओगे तो यहाँ पर आपको जो कंडीशंस मिले हुए हैं वो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पर अगर आप ये कंडीशन देखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए चीज़ें एप्लीकेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसलिए हमने इक्वेशन नहीं लगाया, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, वर्क डन अगर आप बोल रहे हो जीरो है तो पी डी वी इसका मतलब जीरो होना चाहिए, तो यहाँ तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ही नहीं, यह इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा हुआ है। अभी हमने जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्क डन जीरो लिखा है ना, तो वर्क डन जीरो का मतलब यह है कि अगर आप लिख रहे हो डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब पी इंटू डी वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और पी इंटू डी वी कब जीरो होगा, जब आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो होगा तो यहाँ कहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर जो पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, अब गैसेस एक्सपांड हुई तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सीधा सीधा क्या बोलना है कि ये जो हमारा डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी है, ये हमारा किस प्रोसेस के लिए है, ये हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई ही नहीं होगा। कहानी क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जो बात चल रही है, तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी डी वी, तो ये आपका तो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन कर दिया है। तो इंसुलेशन के कारण यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा क्या, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हमारा हीट ट्रांसफर क्या हो गया, जीरो। इक्वल टू बात करते हैं, ये आपका डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन तो आपका जीरो है। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको क्या दिख रही है, जीरो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो, जो यू टू माइनस यू वन इक्वल टू जीरो लिखते थे। और इस पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो यू फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इनिशियल। ये आपकी कहानी है। तो ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है, जो इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है ना, जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होने वाला, उसके बारे में बात चल रही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, यूएफ इक्वल टू यूआई, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है और इंटरनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला एक कंक्लूजन जो समझ में आया। अब देखिए एक बार मैं आपसे यहाँ से जो जो चीजें बताई गई एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगेंस्ट वैक्यूम द एक्सपांशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट वैक्यूम, ये तो ठीक है। अगर मैं बात करूं तो वर्क डन जीरो है, देखिए सीधा सीधा आप वर्क डन जीरो को आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, कि अगर हम जैसे मान लीजिए किसी चीज पे वर्क करते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है, कुछ रेसिस्टेंस मिलता है, उसी के अगेंस्ट में तो काम करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी को ढकेल रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ फ्रिक्शन के कारण रेसिस्टेंस मिल रहा है, उसके वेट के कारण रेसिस्टेंस मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम का मतलब क्या, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम का कंडीशन है, तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम या है ही नहीं। तो वहां पर अगर हमारा रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो जब यहाँ पर एयर एक्सपांड होगी तो इसको कौन रेसिस्टेंस करेगा, कौन रेसिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप ये भी बोल सकते हैं, वर्क डन जीरो होने का कारण क्या है, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारे पास वर्क डन इक्वल टू जीरो आया है, देयर इज नो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये ठीक है। तो हमारे पास ये जो समझते हैं कि यहां पर कोई भी आपका देयर इज नो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जिसके कारण आपका क्या हो गया है, वर्क डन हो गया यहां पर आपका जीरो, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ चीजों को, कि यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर सपोज कुछ रहा होगा, तो मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर के बाद जब ये गैसेस एक्सपांड होते चले जा रही है तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना पहुंचेगा। जैसे इनिशियल टेम्परेचर पर बैठा हुआ है और गैसेस कंटिन्यू एक्सपांड होते चले जा रही है, तो ये इसका जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये भी हमको एक बार देखना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, कि किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। ये आपका कंडीशन क्लियर हुआ। यहां पर अब देखिए हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन पे, तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग पर्टिकुलर इस केस में जाके अगर हम लोग बात करें तो यहां से ये पोर्शन को देखिए, फॉर आइडियल गैस, देखिए यहां पे बात करते हैं, तो आइडियल गैस के साथ देखिए क्या कहानी है। अगर हम लोग आइडियल गैस मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास कंटेनर है, ये जो हमारे पास कंटेनर है, ये इस पे मान लीजिए कि जो गैस है वो आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के साथ क्या होगा, आइडियल गैस के लिए याद करिए हमने पहले वीडियो में जो हीट ट्रांसफर निकाला था, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ बोलता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर बोलता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी है,
तो ये भी आप बोल सकते हो क्या कि जो फाइनल टेम्परेचर है डेट इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर। कहानी कुछ क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है वो किसके इनिशियल टेम्परेचर के आपका बराबर होगा। दूसरा चीज, अगर टी एफ इक्वल टू टी आई है तो फाइनली फिर से अगर आप देखोगे आइडल गैस के लिए तो एंथैल्पी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। तो अगर टी एफ इक्वल टू टी आई है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या एच टू या एच एफ जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल एंथैल्पी है डेट इज इक्वल टू इनिशियल एंथैल्पी। मतलब अगर मैं एंथैल्पी को लेके बात करूँ तो जो फाइनल एंथैल्पी वो किसके बराबर होगा? इनिशियल एंथैल्पी के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पर कंडीशन को देखें तो क्या क्या चीज़ें मिल सकती है? पहला, फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपका सेम होना चाहिए। दूसरा, टी एफ इक्वल टू टी आई। और तीसरा, फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ध्यान रखिएगा स्पेशली किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन सुनिएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट फॉर एन फ्री एक्सपांशन इन एन फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस पे आइडियल गैस के लिए कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा? इसमें से ये आपको तीन ऑप्शन सेट करेगा और चौथा ऑप्शन तो आपको प्रेशर हो गया, काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टीज है डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गया, तो काफ़ी सारे ऑप्शन से वो आपको चिपका देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो डिस्कस कर किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए जो कंक्लूजन आपको आया हुआ है, ये आपको टी एफ इक्वल टू टी आई आया हुआ है ना। तो टी एफ इक्वल टू टी आई है तो हम लोग इसको हंसते खेलते बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है कहीं ना कहीं आइसोथर्मल होगा। अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टी एफ इक्वल टू क्या दिख रहा है? टी आई। बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये प्रोसेस फिर आइसोथर्मल हुआ? बिल्कुल हुआ, कोई शक नहीं, ठीक है। जो कि टोटली क्या है आपका? गलत है। क्यों? जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, याद करो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या डेफिनेशन था? टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। यहाँ तक ठीक है। आगे मैंने एक लाइन लिखा था, चार बार अंडरलाइन भी कराया था, याद आया क्या? थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब जो आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए वो थ्रू आउट द प्रोसेस तक जाके कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर आप इस कंडीशन पे बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? देखिए इसको जब एनालिसिस किया गया तो देखिए क्या हुआ। शुरू में आपकी जो एयर थी ये कंप्रेस्ड एयर थी, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर जो कुछ भी रहा, बहुत अच्छी बात है। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए कि सपोज इसका टी आई था। अब क्या हुआ? गैसेस एक्सपांड हुई। तो जब गैसेस यहाँ पर एक्सपांड होगा तो क्या होगा? एक्सपांड होने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? जब चीजें गैसेस एक्सपांड होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होगा। तो एक्सपांड होगा तो टेम्परेचर हो गया डाउन। अब टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या हुआ कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल है ये इसके सरफेस से चिपकना स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या हुआ? चिपकने का इन द सेंस फ्रिक्शन, रबिंग होना स्टार्ट हो गया इस मॉलिक्यूल और इस कंटेनर के इनर वॉल के बीच में। तो ड्यू टू रबिंग एक्शन के कारण क्या हुआ? फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो फिर से क्या हुआ? इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते ये फाइनली जो टेम्परेचर गेन किया, ये हमको ऐसा पता चला क्या इस इक्वेशन से कि इसका फाइनल टेम्परेचर तो सेम हो गया है जाके। मतलब अगर आप एक कंडीशन पे देखोगे तो यहाँ पर शुरू में आपका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था, उसके बाद टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये टेम्परेचर आपका कम हुआ एक्सपांशन के कारण। ये जो आपका टेम्परेचर कम हुआ है ये आपका हुआ एक्सपांशन के कारण, और ये जो टेम्परेचर फिर इंक्रीज हुआ ये क्यों हुआ? ड्यू टू रबिंग एक्शन के कारण। तो रबिंग एक्शन आपका कहाँ हुआ है? बिटवीन द सिलेंडर एंड द वॉल के बीच में, ठीक है। और रबिंग एक्शन के कारण फिर क्या हुआ? टेम्परेचर आपका जो है वो आपका फाइनल पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो फाइनल और इनिशियल सेम आया है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस अगर आप देखोगे तो क्या आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मिला है? इस लाइन को देखिए, और यहाँ पर टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इनिशियल टेम्परेचर और जो फाइनल टेम्परेचर है ये आपका सेम है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस सेम नहीं है।
दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं, फुटबॉल से एयर निकल रही है, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे, मैं इसके क्वेश्चन वगैरह को लेके बात करूंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही है, जैसे मान लीजिए आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस इस पर होगा नहीं। तो फाइनली अगर आप देखिए, तो जो आपसे यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला फ्री एक्सपांशन के लिए वर्क डन कितना होता है, दूसरा डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस देखे होंगे सब हम लोग रिवर्सिबल मान के चल रहे थे। इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पहला प्रोसेस निकल कर आया है जो क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका डेल क्यू जो है कहानी, ये तो हमने अप्लाई किया है। इसका अगर कंक्लूजन देखेंगे तो ये यहाँ यू है, फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये आपका किसी भी गैस के लिए अप्लीकेबल है, चाहे आपका किसी भी गैस के लिए, चाहे एक गैस हो, गैस ए हो, बी हो, कोई भी गैस चलेगा। बट यहाँ पर जब आप आइडियल गैस के लिए मूव करोगे तो वहां पर आपको कुछ बाउंडेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जो आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी भी सेम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से तीन कंक्लूजन आया हुआ है, क्या क्या कंक्लूजन आए हुए हैं, पहला फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम होगा, दूसरा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, तीसरा फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंसेप्ट फ्री एक्सपांशन को लेके, और फाइनली आइसोथर्मल प्रोसेस का कहानी समझ में आया कि क्यों नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस का एक बेसिक डेफिनेशन होता है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो भी आपके इनिशियल टेम्परेचर थे वहाँ तक तो ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर गैसेस एक्सपांड होना स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे गैसेस एक्सपांड हुई तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो ड्यूरिंग एक्सपांशन टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर इस एयर के जो या गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो सिलेंडर, जो सिलेंडर है आपका, उसके जो कंटेनर है उसके इनर वॉल से क्या हुए, रबिंग एक्शन हुए, रबिंग एक्शन के कारण क्या हुआ, उसके बीच में फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण फिर से टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, और बढ़ने के बाद फाइनली क्या हुआ, अपने इनिशियल टेम्परेचर को गेन कर लिया। तो यहाँ पर ये जो आपका है टेम्परेचर थ्रू आउट दी अगर हम लोग प्रोसेस देखेंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन मिल रहा है, और टेम्परेचर का वेरिएशन मिलने के कारण आपका क्या होगा, ये जो प्रोसेस है आपका फ्री एक्सपांशन है, और प्रोसेस जो है आपका रिवर्सिबल की तरह, मतलब आइसोथर्मल आपका नहीं होगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाय करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।